आपको बता दें कि ग्राम पाटोंडा के किसान अपने खेतों से होकर नाला बिछाने के मुद्दे से संतुष्ट नहीं है। दरअसल गांव में पानी की निकासी नहीं होने के कारण किसानों की निजी जमीन को से नाला बिछाने का निर्णय लिया गया है, जिससे किसानों में रोष व्याप्त है। जनपद सीईओ दुर्गेश भूमकर ने मौके पर पहुंचकर मामले का जायजा लिया, लेकिन किसानों ने रोष जताया। वहीं जनपद सीईओ ने यह आदेश किसानों पर थोप रहे हैं। हमारे ग्राम पंचायत पाटोंडा की एक बहुत पूर्व से ये समस्या है, करीबन 10-15 सालों से ये समस्या है हमारे से, मतलब वो समस्या का निराकरण नहीं हो पाया। इसलिए हमने उच्च लेवल के जो अधिकारी है उन लोगों के मौखिक में और लिखित में भी दिया हुआ था भाई, ताकि हमारे गांव की जो पानी निकासी समस्या है काफी दिनों से चलती आ रही है, इसलिए उन्हें बुलाया था कि पानी की समस्या जो है हल की जाए। ये जो सरकार द्वारा हमारे खेत में से नाली बनाई जा रही है ना, वो हमारे प्राइवेट जमीन पे बनाई जा रही है, जिससे कि हमारे हमको आगे चल के बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहां से गांव का गंदा पानी बहेगा, वहां से मिट्टी का कटाव होगा तो नाला चौड़ा होते जाएगा, उसमें हमारी जमीन और बढ़ती जाएगी। हमको सरकार की तरफ से नोटिस एक बार मिला, उसके बाद में कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं मिला है। उसके बाद में हमारे से अभी सर से बात हुई तो दूसरी जगह संतुष्टि नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि सर इसको और आगे अच्छे से देखे और जो पुरानी जगह थी, मतलब जो नाला बहता था, वहां से इसको निकालने की सरकार कोशिश करे। यहाँ पे जो आबादी बसी थी उसका जो फ्लो था वो अचानक से मरी माता मंदिर के सामने जमा हुआ है। बहुत दिनों से 4-5 साल की समस्या थी पानी के लिए, और शिकायत भी की गई थी 100 दिवस 200 दिवस में शिकायतें हैं, और इसके लिए हमने तीन रास्ते, नाली के लिए हमने जो तीन रास्ते थे सबका हमने सर्वे कराया, जो हमारी लैटिट्यूड देखा गया तीनों का, और हमने चारों किसान जो थे जहाँ से हमको पानी जा सकता था उनको पूर्व में भी नोटिस दे दिया गया था, आज समक्ष में उनके समक्ष में सुनवाई भी की गई और उनको बताया गया कि भाई क्या उनके क्लॉज थे, उनकी जो भी दिक्कतें थी उनको समझाई देके उनको बताया गया कि ग्राम पंचायत इसको बारिश के पूर्व में उस नाली जब बनेगी उसको सफाई करते रहेगी और पक्की नाली भी जैसी राशि आएगी तो बनाया जाए। हम सर नाली विकास का नहीं खोदने देंगे, हमारे प्राइवेट भूमि है और जरा जरा भूमि आधा आधा एकड़ भूमि है हमारी।